समस्या तो विकट है। लगता है कि ताड़का और उसके पुत्र मारीच और सुबाहु निरंकुश हो गए। देखो, उनका सामना करना होगा। महर्षि अगस्त्य ने तो सुंद का वध कर दिया था, ताड़का मारीच सुबाहु को भगा दिया था। आप तो संख्या में इतने अधिक हैं, क्यों नहीं मिलकर उनका सामना करते हो? उनसे इतने भयभीत क्यों हो? तुम्हें उनका सामना करना होगा। मैं दंड नहीं दे सकता, मैं कदापि दंड नहीं दे सकता। मैंने शस्त्र उठाने का पूर्ण परित्याग कर दिया है। सुनो, मैं रण में शस्त्र संधान तो कभी नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा, और ना ही किसी राक्षस का वध करूंगा। किंतु हां, तुम सबको शस्त्र ज्ञान देने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। आपको सबल बनाने का प्रयास अत्यंत ही आवश्यक है। ये राक्षस जब तक आपको निर्बल पाएंगे, आप पर अत्याचार करते रहेंगे और निरंतर करते रहेंगे। जाओ, आप अपने अपने आश्रम में जाओ। अभी शीघ्र ही कुछ करना होगा, विलंब नहीं करना चाहिए। हां, अयोध्या कुमार राम वही यज्ञ की सुरक्षा कर सकते हैं, और योद्धा लक्ष्मण वही ऋषियों का कष्ट समाप्त कर सकते हैं। राम ही नहीं, लक्ष्मण को भी लाना होगा। मुझे अभी अयोध्या की ओर प्रस्थान करना होगा। किंतु प्रश्न ये उठता है, महाराज दशरथ अपने पुत्रों को भेजना स्वीकार करेंगे? नहीं, स्वेच्छा से तो कदापि नहीं। अब वृद्धावस्था में उनकी संपूर्ण आसक्ति पुत्रों में है, विशेषकर राम में। क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्रोध और भय का सहारा लेना होगा। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। शक्ति का प्रयोग भले ही ना किया जाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका आभास अवतार राक्षसों के संहार के लिए हुआ। और अब समय आ गया है कि रावण के वंश के नाश का यज्ञ रचाया जाए। यह तो बड़ा ही उत्तम विचार है, इसमें चिंता कैसी ब्रह्म ऋषि? आप तो जानते हैं, किसी भी यज्ञ की सफलता पूर्ण आहुति होने पर ही संभव होती है। अवरोध क्या है? अवरोध है ब्रह्म ऋषि, अवरोध है राजा दशरथ। राजा दशरथ? मैं समझा नहीं ब्रह्म ऋषि। इस यज्ञ की पूर्ण आहुति राम और लक्ष्मण के हाथों ही अनिवार्य है। भृगु संहिता के अनुसार राम के हाथों रावण का मृत्यु तय है, परंतु लक्ष्मण क्यों? हां ब्रह्म ऋषि, किंतु जब तक ये मेघनाथ दीवार की तरह रावण के समक्ष खड़ा है, रावण की मृत्यु तो छोड़िए, उसकी और कोई कुदृष्टि भी नहीं डाल सकता। इसलिए राम से पहले मेघनाथ के लिए लक्ष्मण द्वारा आहुति अनिवार्य है। ज्ञान सुपात्र को ही देना चाहिए। और राम, राजन, मैं राम को अनेक प्रकार की विद्याएं दूंगा, जिसे पाकर आपका ज्येष्ठ पुत्र राम तीनों लोकों में विख्यात हो जाएगा। अब यदि मुनिवर वशिष्ठ और आपके मंत्री जन अनुमति दें तो मैं राम को अपने साथ ले जाऊं। राम को आपके साथ वनों में भेज दूं, यह किस प्रकार संभव हो सकता है? इतने विकराल और भयानक
राक्षसों का सामना वो कैसे कर पाएगा? राम में इतनी योग्यता नहीं, वो तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। आप किस सोच में पड़ गए राजन? ब्रह्म ऋषि, मेरी सेना है जिसका मैं अध्यापति हूं, अपनी सेना के साथ मिलकर उन निशाचरों से युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। बुढ़ापे में बड़ी मिन्नतों द्वारा और यज्ञ द्वारा बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राम चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है और वैसे भी मेरा राम से अधिक स्नेह है। ब्रह्म ऋषि, वो राक्षस कौन है और किसके पुत्र है? रावण नाम का बलशाली राक्षस, जो महर्षि पुलस्त मुनि का वंशज है, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है और ये मारीच और सुबाहु उसी के भाई है। रावण? परंतु ब्रह्म ऋषि, रावण को तो मैं स्वयं भी नहीं हरा सकता। अपने चारों पुत्रों के साथ मिलकर और अपनी संपूर्ण सेना के साथ मिलकर के भी मैं रावण का सामना नहीं कर सकता। फिर आप चाहते हैं कि साक्षात काल के ग्रास में अपने प्रिय पुत्र राम को यूं ही भेज दूं? मत भूलो राजन। ब्रह्म ऋषि, मत भूलो, आप मेरी मांगी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अपने वचन से पीछे हटकर अपने कुल को कलंकित ना करें। लगता है जैसे आया था वैसे ही आपके द्वार से चला जाऊंगा। ठीक है राजन, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर अपने हितैषियों के साथ घिरे रहो, सुखी रहो। जीवन तो बड़ा ही अद्भुत और दुर्गम है, यहां तो कई सारे भयानक पशु पक्षी हैं। राम, सत्य कहा, किंतु 1000 हाथियों का बल रखने वाली बुद्धिमान सुंदर दैत्य की पत्नी, जिसके 2 पुत्र मारीच और सुबाहु यहां विचरण करते हैं, वही ताड़का यहां निवास करती है और इन्हीं का वध करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मांग कर लाया हूं। तुम इसे निष्कंटक बना दो। सुकेतु यक्ष जो पराक्रमी सदाचारी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कन्या रूपी रत्न प्रदान किया, जिसका नाम ताड़का रखा गया। किंतु सुकेतु की पुत्री ताड़का ने राक्षस धर्म को स्वीकार किया, जिसका विवाह जन्म के पुत्र सुंद से हुआ। उनके पुत्र मारीच और सुबाहु ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते रहते हैं, उन्हें तंग करते रहते हैं और एक दिन युद्ध अगस्त्य ऋषि के साथ ताड़का और सुंद की भिड़। बहुत ही रोचक वृतांत है ताड़का। सुंद का वध करने के पश्चात अगस्त्य ऋषि ने ताड़का को राक्षसी रूप होने का श्राप दिया और उसी क्रोध में विचलित होकर वो यहां वहां विचरण करती रहती है, अत्याचार करती है, सबको पीड़ित करती है। सावधान राम, सावधान लक्ष्मण, ये उसी का क्षेत्र है, वो यही कहीं आसपास होगी, वो कभी भी आक्रमण कर सकती है, सावधान। जी गुरुदेव। किसी स्त्री का वध क्या क्षत्रिय धर्म में उचित है? राजा राज मद में निरंकुश हो जाते राम, को देखो, वो है ताड़का, आगे बढ़ो, उसका मत करो, रत्ना करो, उसका मत करो। राम, महायशस्वी राजकुमार राम, ताड़का वध के कारण मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें कुछ ऐसे शस्त्र प्रदान करूंगा
जिससे देवता असुर गंधर्व सभी को बलपूर्वक आजीत कर लोगे। जी मुनिवर, वो सब भी आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा। राम लक्ष्मण, भोजन ग्रहण कर लिया? आओ, तनिक मेरे पास आओ। मैं एक, हाँ बोलो, संकोच मत करो, बोलो। यदि आप आज्ञा दें तो हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। पिता और माताएं चिंता कर रही होंगी। नहीं लक्ष्मण, नहीं, अभी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य शेष हैं। अभी अयोध्या वापसी का समय नहीं हुआ है, समय आने पर स्वतः ज्ञात हो जाएगा। अभी हमें मिथिला की ओर प्रस्थान करना है। महाराज शीरध्वज महान विद्वान धर्मात्मा नृत्य हैं, उनके साथ भेंट होगी, धर्म की चर्चा होगी। मिथिला के राजा का परम धर्म यज्ञ होने वाला है। और हां, वहां एक सुंदर धनुष है जो अत्यंत अद्भुत धनुष है। तुम लोग उस धनुष को देख लेना और मिथिला के दर्शन भी कर लेना। पर्वतों की तलहटी में बसी मिथिला अत्यंत ही स्वयं बहिष्कार करती तो किसमें साहस था जो उनके सम्मुख प्रतिरोध में खड़ा रहता। राम, अब तुम्हें देवी को मुख्य धारा में लाना होगा। आप ऋषिगण उन्हें मनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। देवी को मनाने का सामर्थ्य तो मात्र एक व्यक्ति में है। वह कौन गुरुदेव? राम। राम के सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो देवी के मान को झुकाकर उनके वात्सल्य को उभार सके। परंतु गुरुदेव, देवी मुझसे भी तो वही प्रश्न कर सकती है कि मुख्य अपराधी तो इंद्र हैं, फिर दंड मात्र उन्हें ही क्यों भोगना पड़ा? राम, तुम्हें पुत्र रूप में सामने पाकर देवी का वात्सल्य जाग उठेगा। उनके वात्सल्य को उस सीमा तक जागृत कर सकते हो तुम जो उनके मान को परिचित कर। परंतु मैं ही क्यों गुरुदेव? उनका पुत्र और उनकी पुत्री भी तो। हाँ है। प्रथम तो अपने माता पिता की द्वंद में इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं है, और यदि वो सक्षम हो भी जाते हैं तो देवी का अपना रक्त है वो। अपने रक्त के साथ तो मान और भी प्रबल हो उठता है। राम, देखो, विचार मंथन में समय नष्ट ना करो, प्रस्थान करो। जाओ, प्रस्थान करो। जो आज्ञा ऋषिवर।